के पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस दो वक्त की रोटी के लाले हैं। सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मेरे सपने में कल रात बुलेट ट्रेन आई, मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूँ, गोबर गैस से नहीं। पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का। खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ता चीनी, आते ही 2 रुपये किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। अध्यक्ष मोदिया, आम लोगों को अब डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो बस दो वक्त की रोटी के लाले हैं। सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज़्यादा बस गिनती के रखवाले हैं। प्लीज़ सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मेरे सपने में कल रात बुलेट ट्रेन आई, मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूँ, गोबर गैस से नहीं। तो मोदी साहब के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के भाषण लोगों को खूब जचे हैं। अध्यक्ष मोदिया, एक ही राहत की बात है कि विदेशों से काला धन वापस आने में मात्र 50 दिन बचे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो हर सरकार से डंडे खा ले हैं।